हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ राजेश बड़ारिया और कंप्यूटर फॉर क्वांट चैनल के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। तो देखिए स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है हमारे क्या है, राउंड रोबिन एल्गोरिथम। और राउंड रोबिन एल्गोरिथम को हम क्या बोलते हैं, एफ सी एफ एस प्लस टाइम क्वांटम। एफ सी एफ एस एल्गोरिथम ही होती है राउंड रोबिन एल्गोरिथम। इसके अंदर हम क्या करते हैं, अगर हम टाइम क्वांटम का यूज़ कर देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, राउंड रोबिन एल्गोरिथम। तो टाइम क्वांटम क्या होता है ये देखिए स्टूडेंट, टाइम क्वांटम क्या होता है, सीपीयू अपने टाइम को छोटे छोटे पार्ट के अंदर डिवाइड कर देता है और जितने भी प्रोसेस होते हैं उनको बारी बारी करके नंबर देता है। ऐसा नहीं कि भाई एक प्रोसेस है उसी को पूरा टाइम देता, नहीं, वो क्या करेगा, बारी बारी सारे जो प्रोसेस है उनको अपना टाइम शेयर करेगा। और अगर किसी प्रोसेस का वर्क फिर भी बच जाता है तो उसको वापस क्यू के अंदर आना पड़ता है। ओके, तो ये सारी चीजें हम इस जो वीडियो है इसके अंदर देखेंगे। फिर देखिए स्टूडेंट, इसका जो क्राइटेरिया रहेगा वो क्या रहेगा, टाइम क्वांटम प्लस अराइवल टाइम, ये दो के ऊपर बेस रहेगा। टाइम क्वांटम के ऊपर भी रहेगा और अराइवल टाइम के ऊपर भी बेस रहेगा। इसका जो मोड है वो क्या रहेगा, प्रिम्पशन रहेगा। ओके, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इसके अंदर अकर होगी। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम टाइम क्वांटम का यूज करेंगे तो उसके अंदर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, इसके अंदर हम रेडी क्यू का भी यूज़ करेंगे। जी हाँ, इसके अंदर हम रेडी क्यू का यूज़ करेंगे। अभी तक हमने किसी भी एल्गोरिथम के अंदर रेडी क्यू का यूज़ नहीं किया था और डायरेक्ट हम क्या कर रहे थे, क्वेश्चन से गैंट चार्ट बना रहे थे। ओके, पर इसके अंदर हम सबसे पहले हमें रेडी क्यू बनानी पड़ेगी, उस रेडी क्यू की सहायता से हम क्या बनेंगे, गैंट चार्ट। तो देखिए किस तरीके से करेंगे, तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है इसके अंदर राउंड रोबिन एल्गोरिथम के अंदर। तो ये जो हमारी क्यू है वो क्या है, रेडी क्यू। ओके, ये मैंने क्या बना ली, रेडी क्यू, और नीचे हम क्या बना ले, अब ये गैंट चार्ट। तो देखिए सबसे पहले करने का तरीका वही रहेगा, जीरो अराइवल टाइम के ऊपर कौन सा प्रोसेस आया, कौन सा प्रोसेस आया, P1, P1। ओके, P1 को आपको रेडी क्यू के अंदर रखना है, बस इतना सा ध्यान रखना है। ओके, फिर देखिए आपको फिर यहाँ पे वापस देखना है, चेक करना है, सबसे पहले प्रोसेस कौन सा आया है, P1, तो P1 को आपको यहाँ नीचे रखना है और स्टार्टिंग टाइम क्या हो जाएगा, जीरो। अब P1 कितने टाइम यूनिट चलेगा ये आपको ध्यान रखना है इस टाइम क्वांटम से। यहाँ लिख लूँ मैं, यहाँ लिख लेता हूँ, टाइम क्वांटम क्या है, 4 यूनिट। तो आपको P1 कितना चलाना है, 4 यूनिट। तो देखिए अगर P1 को मैंने 4 यूनिट चलाया तो यहाँ पे कितना बचेगा, 20। ओके, और यहाँ क्या हो जाएगा, 0 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 4। ओके, अब देखिए इस 4 यूनिट के अंदर कौन कौन से प्रोसेस और आ गए हैं क्यू के अंदर, वो प्रोसेस क्या करना है आपको, रेडी क्यू के अंदर ऐड करना है। कहाँ ऐड करना है, रेडी क्यू के अंदर। देखिए P1 कितना चला, 4 यूनिट। इस 4 यूनिट के अंदर कौन कौन से प्रोसेस आ गए, तो देखिए P1 तो पहले था ही, यहाँ देखेंगे तो P2 आ चुका है, P3 नहीं आया, P3 कब आएगा, अराइवल टाइम 5 के ऊपर, तो P2 आ चुका है। तो P2 में कहाँ लिखूंगा, P1 के बाद, यहाँ पे P2 को क्या कर दूंगा, रेडी क्यू के अंदर एड कर दूंगा। ओके, और अब देखिए इसको ऐड कर दिया, इसके बाद P1 हमारा बचा हुआ है, तो इस P1 जो बचा है उसको मैं कहाँ कर दूंगा, वापस क्यू के अंदर ऐड कर दूंगा। और ये है जो P1 है उसको कट करके हमने यहाँ पे ऑलरेडी आगे लिख दिया है। ओके, समझ में आया आपको, नहीं आया तो वापस नेक्स्ट चलते हैं। देखिए अब नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो कहाँ देखेंगे, यहाँ पे आपको जो प्रोसेस गैंट चार्ट के अंदर लेने वो कहाँ से लेने, रेडी क्यू के अंदर से। तो देखिए P2 लिया मैंने, तो P2 यहाँ से कट किया, P2 को मैंने यहाँ रखा। ओके, P2 कितने टाइम यूनिट चलेगा, 4। आ जाइए P2 के ऊपर, P2 को हम चला लेते हैं 4 टाइम यूनिट, 8 में से 4 गए तो कितना बचा, 4। चलिए अब देखिए इस 4 यूनिट तक, 4 प्लस 4 कितना हो गया, 8। अब देखिए इस 8 यूनिट तक और कौन कौन से प्रोसेस आ चुके हैं, तो देखिए P1 P2 पहले आ चुका है, यहाँ देखेंगे तो P3 भी आ चुका है। हमारा CPU चल चुका है 8 यूनिट तक, पर 5 अराइवल टाइम के ऊपर P3 प्रोसेस भी आ चुका है। तो इस P3 प्रोसेस को हम कहाँ ऐड करेंगे, रेडी क्यू के अंदर। ओके, पहले हम प्रोसेस जो बचे हुए हैं जो आ चुके हैं उनको ऐड करेंगे, उसके बाद अगर P2 बच गया है, देखिए P2 बच गया ना, कितना बचा, 4 मिनट, तो इस P2 को हम क्या करेंगे, रेडी क्यू के अंदर, पीछे क्यू के अंदर ऐड कर देंगे। ओके, समझ में आया आपको, आराम से समझिए। नेक्स्ट चलते हैं वापस, क्या देखिए अपना पास नेक्स्ट क्या प्रोसेस है, P1। तो P1 को ले लिया, P1 को मैंने रख लिया ग्रैंड चार्ट के अंदर, और ये कितने टाइम यूनिट चलेगा, 4 चलेगा, तो इसको मैंने माइनस कर दिया, बचा 16, और इसको 4 यूनिट चलाया, 8 प्लस 4 कितना हो गया, 12। ओके, अब आप देखेंगे कि सारे प्रोसेस आ चुके हैं, P1 भी आ चुका है, P2 भी आ चुका है, P3 भी आ चुका है।
तो हमारे क्या बचा P1, तो P1 को इसको रेडी क्यू के अंदर पीछे आप ऐड करते जाइए। बस एक बार अगर सारे प्रोसेस आ गए तो आपको क्या करना है, यहाँ से एक प्रोसेस सेलेक्ट करना है, इसके अंदर डालना है, ओके। और उसके बाद क्या करना है, वो प्रोसेस बच जाए तो वापस आपको रेडी क्यू के अंदर डालना है, बस इसके बाद आपको इतना सा ही करना है। नेक्स्ट चलिए क्या है, P3, P3 को ले लिया। P3 कितने टाइम यूनिट चलेगा, 10, तो P3 देखिए 10, तो यहाँ क्या बचा 6, 4 प्लस 12 कितना हो गया यहाँ पे 16, और P3 बच गया, तो मैं क्या कर रहा हूँ इसको रेडी क्यू के अंदर पीछे ऐड कर रहा हूँ, ओके। अब हम कहाँ जाएंगे वापस, रेडी क्यू के अंदर P2, P2 को लिया, P2 कट किया, P2 कितने टाइम यूनिट चलेगा 4, तो अब देखिए यहाँ पे 4 चला, यहाँ क्या बच गया 0, 16 प्लस 4 क्या हो गया यहाँ पे 20, क्या हो गया यहाँ पे 20, ओके। तो देखिए P2 प्रोसेस क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, यहाँ पे P2 क्या बचा 0, तो P2 को इस रेडी क्यू के अंदर ऐड करने की जरूरत ही नहीं है, ओके। अब देखिए नेक्स्ट प्रोसेस कौन सा है, P1, तो P1 ले लिया मैंने, P1 देखिए कितना चलेगा 4 यूनिट, तो 16 में से 4 गए तो कितना बचा 12, ओके। और 20 प्लस 4 कितने हो गए 24, P1 को मैं कहाँ ऐड करूंगा यहाँ पर रेडी क्यू के अंदर, ओके। नेक्स्ट चलिए अब कौन सा प्रोसेस आएगा, P3, P3 को कट किया, P3 को यहाँ लिखा, कितना यूनिट चलेगा 4, यहाँ क्या बच गया 2, 24 प्लस 4 कितना हो गया 28, और P3 बच गया तो इसको मैं कहाँ लिखूंगा रेडी क्यू के अंदर, ओके। फिर नेक्स्ट देखिए कौन सा प्रोसेस है, P1, तो P1 को लिया मैंने, P1 को लिया, तो P1 कितना बचा 8, और 24 प्लस 8 कितने हो गए हमारे पास 32, और P1 बच गया तो इसको वापस मैंने कहाँ लिख लिया रेडी क्यू के अंदर। नेक्स्ट प्रोसेस देखिए कौन सा, P3, P3 लिया, P3 को लिखा मैंने यहाँ पे, P3 देखिए कितना बचा 2 ही बचा है यहाँ पे, तो ये क्या होगा 0, ये क्या चलेगा 2 यूनिटी चलेगा, ओके। और P3 अब तो है ही नहीं, तो क्या बचेगा, P3 यहाँ पे नहीं आएगा। नेक्स्ट प्रोसेस देखिए P1, P1 आ गया, P1 कितना टाइम यूनिट चलेगा 4, तो यहाँ क्या बचा 4, 34 प्लस 4 कितना हो गया 38, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा वापस P1। फिर वापस नेक्स्ट क्या आ गया P1, तो P1 को चलाएंगे हम, P1 कितना यूनिट चलेगा 4, बच गया 0, 38 प्लस 4 कितने हो गए 42, ओके। तो इस तरीके से जो प्रोसेस कंप्लीट हुआ है वो कितने टाइम यूनिट के ऊपर हुआ 42। तो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन भी आता है कि जो प्रोसेस कंप्लीशन टाइम है वो क्या है, ऑप्शन आ जाएंगे आपके पास 34, 38, 42 और 46, तो आपको आंसर कौन सा लगाना है, आपको 42। पर आपको ध्यान ये रखना है कि आपको रेडी क्यू अच्छे से फॉर्म करनी है, और उसके बाद आपको गैंट चार्ट बनाना है राउंड रॉबिन एल्गोरिथम के अंदर, ये हाईली एडवाइज है, डायरेक्ट करने की आप कोशिश ना करें, ओके, तभी आपको आंसर सही आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट देखिए एक और क्वेश्चन इसके अंदर क्या बनता है, हाउ मेनी टाइम कॉन्टेक्ट स्विचिंग अकर। तो देखिए इसके अंदर क्या दिया हुआ है, हाउ मेनी कॉन्टेक्ट स्विचिंग अकर, इस एग्जांपल के अंदर कितने कॉन्टेक्ट स्विचिंग हुए। तो जब भी आप कॉन्टेक्ट स्विचिंग आइडेंटिफाई करें तो आपको पता होना, आपको ये ध्यान रखना है कि जो दोनों प्रोसेस है आपस में, इस लाइन के इस साइड और इस साइड, कॉन्टेक्ट स्विचिंग क्या होता है, यहाँ पर प्रोसेस चेंज होना, ये दोनों प्रोसेस अलग होना, ओके। तो ये दोनों प्रोसेस क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। तो देखिए हम कॉन्टेक्ट स्विचिंग काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ पे देखिए P1 और P1 दोनों बराबर, इसका मतलब कॉन्टेक्ट स्विचिंग हुआ ही नहीं है, ओके। तो टोटल कॉन्टेक्ट स्विचिंग कितने हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो इसके जो कॉन्टेक्ट स्विचिंग है वो कितने हुए 9, ओके। ये इस तरह से क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, आपको ध्यान रखना है। कई बार हम क्या करते हैं, जैसे ये सेम है प्रोसेस P1 और P1, और हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे और भी होता है P1 46, तो हम क्या करते हैं इसको भी कंसिडर कर देते हैं, नहीं, कॉन्टेक्ट स्विचिंग का अर्थ यही हुआ कि प्रोसेस जो रनिंग प्रोसेस था वो हटके दूसरा प्रोसेस आया, पर यहाँ पे ऐसा हुआ नहीं है, जो रनिंग प्रोसेस था वही किया, वही चल रहा है, ओके। हमने अपने हिसाब से अपने क्या किया, इनको टाइम क्वांटम के अंदर डिवाइड किया है, ठीक है। तो इसके अंदर जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हुई है वो कितनी हुई है 9 हुई है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।